ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर। नगर पंचायत प्रदर्शन में जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे संभावित उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी के साथ दमखम दिखाते हुए जनता के सहयोग मांगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भदरसा के कपड़ा व्यवसायी विष्णु कुमार ने अपनी दावेदारी ढोकते हुए इस बार भदरसा भरतकुंड में कमल का परचम लहराने की संकल्पना व्यक्त की है। संघ ही पृष्ठभूमि से वाले अवस्था में जनता की सेवा करने वाले विष्णु कुमार स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पारंपरिक व्यवसाय में लगे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि भरतकुंड व भदरसा के साथ हुए संगम के बाद विश्व पटल पर एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित करने पर महाराज की तपोस्थली को नई पहचान की बुलंदियों पर पहुंचाना उनका लक्ष्य है। मैं राजनीति में आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि राजनीतिक द्वेष लोगों के अंदर कैसे क्या करें क्या ना करें ये चीज़ नहीं है। और मैं भदरसा का सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर भरत जी के द्वारा दिए गए त्याग का अनुसरण करें और सरकार की मूलधारा से जुड़ करके सरकार के दिशा निर्देश में काम करें, ये हमारा कहना था। और ये भी है कि जो 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 भी हमको स्वयं सेवक होने के नाते समाज के बीच में बैठी कुरीतियों को देखते हुए हमने यह फैसला किया कि हमें राजनीति में जाना ठीक रहेगा। राजनीति में जो भी है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मैं स्नातक हूँ कृषि से। मैं ये चाहता हूँ कि लोग सरकार की मूलधारा से जुड़े और लोगों के अंदर जो हमारे लिए प्रेम और स्नेह है वो मैं ये चाहता हूँ कि उस पर मैं खरा उतरूँ और मैं खरा उतरूँगा। स्वास्थ्य और लोगों की हर संभव मदद मेरी मूल बुनियादी प्राथमिकता है। भरत जी पैदल निकले भरतकुंड से और दोनों का मिलाप यही भदरसा में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम भादर्शन था। जब बात भदरसा की, हम ये देख रहे हैं कि आज मुस्लिम समाज भी मूल धारा से जुड़ना चाहता है लेकिन ये राजनीतिक परिस्थिति बस ये मूल धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है, अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इनको मुस्लिम समाज को सरकार की मूल धारा से मैं जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा और जोड़ूंगा। भदरसा, हम ये देख रहे हैं कि भदरसा जो है ये जिले की पहली टाउन एरिया है जी और सबसे पुरानी टाउन एरिया है। मूलभूत सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा के लिए कुछ शिक्षण संस्थान है, ना स्वास्थ्य है। ये दो चीज प्रथम मुद्दा हमारा है कि हमारे बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य के लिए, इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा कि हमें मेन चीज स्वास्थ्य चाहिए। और स्वास्थ्य और शिक्षा अगर बुनियादी चीज ये मजबूत हो गया तो सारी चीजें मजबूत हो जाएंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।